क्या आपको पता है स्मार्टफोन का जो हार्मफुल रेज होता है इससे हमारे जो शरीर का जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ही कम हो जाता है। और क्या आप जानते हो 2013 में एक रिसर्च हुआ था और इससे ये पता चला अगर आप हर दिन 4 घंटे से भी ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो स्मार्टफोन का जो हार्मफुल रेज होता है वो आपके शरीर में जाकर आपका जो स्पर्म का जो डेंसिटी होता है वो कमा देता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा हार्मफुल रेज से आपके शरीर में जो स्पर्म काउंट है वो कैसे कम होता है और तो और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो का पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया नेट ब्राउजिंग, यूट्यूब, फेसबुक या कॉलिंग या किसी को मेल करना, तो क्या होता है जो टावर होता है उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो डायरेक्टली हमारे जो स्मार्टफोन है उससे कनेक्ट होता है और इससे हमारे जो शरीर में इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमारे जो शरीर होता है वहाँ पर स्पर्म का जो काउंट होता है वो घट जाता है, स्पर्म का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है और तो और ब्रेन कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी भी आपको हो सकता है। और साथ ही साथ आपका जो DNA स्ट्रक्चर है यानी कि डीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका चेंज होता रहता है, इसलिए आपके भी बहुत तरह के प्रॉब्लम या बीमारी हो सकता है। आप जब स्मार्टफोन में कोई भी चीज़ देखते हो यानी कि जो स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले होता है उसका जो हार्मफुल रेज होता है वो डायरेक्टली आपका आँखों पर पड़ता है और इससे क्या होता है आपके जो आँखों का जो रेटिना होता है वहाँ पर बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट पड़ता है जिससे आप अंधे तक हो सकते हो। तो आप इससे ज़रा ध्यान रखना। हाल ही में 2014 में एक रिसर्च हुआ था, इसमें लगभग 1492 स्पर्म का सैंपल्स लिया गया था और इस सैंपल को अच्छी तरह से जांच करने के बाद यानी कि बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कलेक्टेड सैंपल था उसमें से 50 से जो 80% सैंपल था उसमें जो स्पर्म का जो मूवमेंट था वो नॉर्मल था, लेकिन बाकी जो 8 से लेकर 10% सैंपल था उसमें जो स्पर्म का मूवमेंट ही नहीं था यानी कि वो स्पर्म डिस्ट्रॉयड हो गया था। और उस टाइम वो जो स्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो सक्रिय नहीं रहता है, यानी कि आप तो जानते हो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके लिए जो स्पर्म है उसे मूवमेंट करना चाहिए, उसके बाद ही जो ओवम होता है और जो स्पर्म होता है वो एक साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर स्पर्म ही मूवमेंट नहीं कर पाता और स्पर्म ही अगर ओवम के पास नहीं पहुँचता है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो इसलिए इस रिसर्च से ये पता चला कि आप जब स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो इसका जो हार्मफुल रेज होता है वो डायरेक्टली आपका जो टेस्टिकल होता है वहाँ पर इफेक्ट करता है, इसलिए आपका जो टेस्टिकल होता है वहाँ पर कैंसर भी हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो स्पर्म का डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है, उसका काउंट भी कम हो जाता है और आपका जो स्पर्म बढ़ने का जो पावर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए आपका जो शरीर होता है वो वीक हो जाता है और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम के साथ आपको फेस करना होता है। तो सवाल ये आता है क्या हम स्मार्टफोन यूज़ करना छोड़ दें? तो देखिए किसी भी चीज़ का दो साइड होता है, एक नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड। आपको इस स्मार्टफोन को एक स्मार्ट तरीके से यूज़ करना होगा जिससे इसका जो साइड इफेक्ट हो या इसका जो हार्मफुलनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए। जैसे कि यानी कि अगर आप सोते हो तो आपका जो स्मार्टफोन है उसे आपको दूर रखना होगा क्योंकि जो स्मार्टफोन का जो रेज होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है टावर से और उसका जो खतरनाक जो रेडिएशन होता है इससे हमारे शरीर में बुरा इफेक्ट पड़ता है। और एक बात ध्यान रखना, स्मार्टफोन को कभी भी पैंट का पॉकेट या जो आपका जो टी शर्ट का पॉकेट में मत रखना क्योंकि अगर आप टी शर्ट के पॉकेट में स्मार्टफोन रखते हो तो डायरेक्टली वो आपको इफेक्ट पड़ता है हार्ट पर, अगर आप पैंट के पॉकेट में रखते हो तो इसमें डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपका टेस्टिकल पर, तो दोनों ही केस में ये खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए आप एक्स्ट्रा बैग कैरी कीजिए, उसमें ही आप उस स्मार्टफोन को कैरी कर सकते हो। साथ ही साथ आप जब स्मार्टफोन को ना यूज़ करते हो तो उसे स्विच ऑफ करके रख सकते हो और आप जब भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो यानी कि जो भी चीज़ आप स्मार्टफोन में देखते हो तब आप किसी भी तरह के चश्मा यूज़ कर सकते हो। आज के ज़माने में बहुत तरह का जो ब्लू ब्लैक चश्मा पाया जाता है वो मेनली क्या करता है, स्मार्टफोन का जो ब्लू हार्मफुल रेज होता है उसे वो कंट्रोल करता है। और जितना हो सके आप स्मार्टफोन का यूज़ करना कम कर दीजिए, मान लीजिए 3 से 4 आवर्स तक आप इसे यूज कीजिए, उसके बाद ही फालतू की चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट ना करके स्मार्टफोन को आप कम यूज़ कीजिए। तो अगर आप ये सब कुछ करोगे तो कुछ हद तक आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, हो सके तो आपके फ्रेंड के साथ कर दीजिए इस वीडियो को शेयर। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।